What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 10 जनवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, अभी कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आ सकते हैं आने वाले वीक में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये वीक तो पूरा यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके मुताबिक मार्केट में जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। कंटिन्यूज लगातार 4 दिन गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा था और उसके बाद भी जबरदस्त हमें मूवमेंट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। तो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर ये टेंशन खत्म होता है तो मार्केट फिर से रिबाउंड यहाँ से दिखा सकता है। और कल जैसे कि खबरें आ रही थी कि आने वाला बजट जो है 1 फरवरी को, उसमें काफ़ी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए काफ़ी कुछ लाने वाली है, ऐसी काफ़ी खबरें आ रही थी। तो पॉजिटिव होप के साथ मार्केट में एक प्री बजट रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है वो देखेंगे, उसके बाद निफ्टी के लिए भी इंट्राडे लेवल्स कहाँ पर है आज के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर देते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 9 जनवरी आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, हमारा जो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट था उसके भी ऊपर निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और लगातार नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा था। तो हमारा जो प्री प्लान था निफ्टी इंडेक्स के बारे में, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल नहीं बन रही थी। जबरदस्त गैप अप ओपनिंग कल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर यह था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडाक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, नासडाक करीब 74 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो हल्की सी गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 10 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। हांगकांग मार्केट और चाइना मार्केट में भी थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 36 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 52 पॉइंट्स की अभी भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस शुरू करने से पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। वीकली और डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। जैसे कि हमने लास्ट फ्राइडे यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था ताकि हम आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सके। तो यहाँ पर 32,080 का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, जो कि इस वीक ये जो पैनिक न्यूज आया था तभी इसने ये पूरा ब्रेक करके टूवर्ड्स साउथ की तरफ जब ये मूव किया तो इसने ऑलमोस्ट 20 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिए अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते तो इसका ऑलमोस्ट 23.6% का इसने लेवल यहाँ पर ये अचीव किया और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक दिखा रहा है। इसी लेवल के पास जहाँ पर इसने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया था, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, उसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके अभी बाउंस बैक दिखाया। तो अगर अभी ये फिर से अगर इसे टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ना है तो पहले तो इसे ऑल टाइम हाई को कम्फर्टेबली ब्रेक करना होगा। अगर RSI की हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है, निफ्टी बैंक में अभी भी निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्राइस एक्शन ने पास्ट में हायर हाइज बनाया था तभी उसी वक्त नीचे RSI ने यहाँ पर लोअर हाइज क्रिएट किया था। तो RSI हमें पहले ही सिग्नल देता है कि आने वाले फॉल के बारे में, यहाँ से जो हायर हाइज बन रहे वहाँ से एक फॉल आ सकता है। नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल टॉप बनता है और फिर ये फॉल आता है। तो उसके मुताबिक RSI में हमने पहले ही यहाँ पर ये सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस एक्शन में बाद में फॉल आ सकता है आने वाले समय में। तो अभी फिर से एक बार प्राइस एक्शन में यहाँ पर फिर से हायर हाइज बने हैं, लेकिन RSI में यहाँ पर देखें तो ये अभी भी लोअर हाइज ही बना रहा है, यहाँ पर हायर हाइज नहीं बने RSI में। तो एक यहाँ पर डाउटफुल सिचुएशन है।
अगर नीचे देखे तो यहाँ से राइजिंग बॉटम तो बन रहे, लेकिन ऊपर देखे तो यहाँ पर हायर हाइज अभी तक नहीं बने। तो यहाँ से अगर ये कंफर्टेबली इस प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो प्राइस एक्शन में यहाँ से और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। फिलहाल नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स के वीकली चार्ट में देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं डेली चार्ट में, यह निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट। तो फिर से एक बार इसने अभी ये जो 20 एम है इसके ऊपर आकर ये क्लोज दिया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अभी और एक अगर यहाँ पर कंटिन्यू इसका हाई ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में और भी यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल सपोर्ट होगा ये 20 एमए का, अभी सपोर्ट होगा 31,870 के पास, ये फर्स्ट सपोर्ट होगा। और उसके बाद में जो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है यानी ये अराउंड 31,650 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा, और ऊपर अगर इसे ट्रैवल करना है तो ये जो ऑल टाइम हाई का ये जो लेवल बनाया है जहाँ पर इसने थर्ड टाइम यहाँ पर अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,450 के पास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो 32,450 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है हमें तो यहाँ से अपसाइड जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आने वाले वीक में। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, उसका जो 23.6% का लेवल है 11,900 के पास, यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से यहाँ पर बाउंस बैक दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट 3 वीक्स पास्ट में इसने इसी लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया था, अभी फिर से यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ। तो लास्ट 3 वीक्स जहाँ पर ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था यानी ऑल टाइम हाई लेवल के पास 12,290 के पास, तो फिर से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो जब तक इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक ना करे, सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। ऊपरी लेवल्स पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग और दिखाई देती है। लास्ट 2 डेज देख सकते हैं आप ज़बरदस्त निफ्टी इंडेक्स में बाउंस बैक देखने को मिला है। तो हो सकता है इस लेवल के बाद पास एक रेजिस्टेंस फेस करे और कुछ करेक्शन के बाद फिर ये यहाँ से अपसाइड मूव दिखाए। तो यहाँ पर एज पर वीकली चार्ट ये ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, ऊपर 12,290 और नीचे 11,900, जो कि लास्ट ये कुछ 6-7 वीक से इसी रेंज के बीच में निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, कंटिन्यूज ये 20-50-100 ये जो ट्रेंड लाइंस है हमारी मूविंग एवरेजेस की, इसके ऊपर ये कंटिन्यूज ट्रेड हो रहा है। तो स्ट्रक्चर बुलिश है ऐसा हम मान के यहाँ पर चल सकते हैं। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जो कल हम 20 EMA के रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, इसी के ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ है। तो यहाँ पर अभी ये जो गैप क्रिएट हुआ है वो अनफिल्ड है, फ्यूचर में ये गैप फिल हो सकती है। तो अभी फिलहाल कल जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे 20 EMA, ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है जो कि 12,120 के पास है इस समय, और ऊपर 12,293 ये फर्स्ट हर्डल होगा अगर निफ्टी को टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ट्रैवल करना है। तो डेली चार्ट में स्ट्रक्चर बुलिश है, वीकली चार्ट में भी स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन अगर कोई पैनिक न्यूज आती है फिर से US और ईरान के बीच में तो यहाँ से फिर से ये सिचुएशन खराब होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। सो होप फॉर द बेस्ट, बजट भी आने वाला है, Q3 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो देखते हैं निफ्टी इंडेक्स यहाँ से अगर ये 12,293 को ब्रेक करता है तो और प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू आने वाले लेवल्स को। तो फिलहाल अभी 12,293 ब्रेक होने का वेट करना होगा। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस लेवल के पास जब निफ्टी रुका था तो यहाँ से भी एक ज़बरदस्त ये मंडे को फॉल आया था, तो ये जो लेवल है वो हमारा आज हो सकता है ब्रेकआउट लेवल यानी 12,227, ये हमारा आज हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल।
ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 12,249 का है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 12,266, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट का लेवल जो है 12,188 के पास, ये अगर ब्रेक होता है तो हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है लेकिन जो लास्ट टू डेज से जो अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में आ सकती है। तो ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,168, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 12,157, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो आना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।